नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। एमपी में पावर पॉलिटिक्स के महाराज है सिंधिया, मंत्री छूते हैं पैर, शिवराज ने भी माना ज्योतिरादित्य की वजह से बने हैं सीएम। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एड्डापल्लादी पलानीस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मदुरई एयरपोर्ट में यात्री पर हमले का आरोप। आतंकवाद को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। अनुराग ठाकुर का बीबीसी पर निशाना, कहा बीबीसी दुर्भावनापूर्ण एजेंडे के तहत काम कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष बंदी ने केसीआर की बेटी पर दिया विवादित बयान, कहा के कविता की गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या किस करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर कसा तंज, बोले 2024 के बाद जनता इन्हें सड़कों पर उतरकर मारेगी। आदित्य ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन पर किया कड़ा प्रहार, कहा शिंदे धड़े को मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पश्चिम बंगाल में डीए की मांग पर अड़े कर्मचारी, राज्यपाल आनंद बोस से मध्यस्थता का आग्रह किया गया। बीजेपी पर शरद पवार का हमला, बोले जो लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं वो अपनी अज्ञानता को जाहिर करते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का केंद्र पर तंज, बोले भाजपा नेताओं के खिलाफ भी करनी चाहिए सीबीआई की जांच, बीजेपी ने ऐसे दिया जवाब। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी 11 मार्च को कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। केरल में कम्युनिस्ट पर गरजे अमित शाह, कहा दुनिया ने खारिज कर दी कम्युनिस्ट पार्टियां, भाजपा को मौका दे हम करेंगे विकास। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात, कांग्रेस महासचिव के सामने रखा अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार बच्चों को सिखाएगी जीने का तरीका, शिक्षा मंत्री आतिशी बोले शिक्षा मॉडल से रूबरू होंगे दुनिया के लोग। निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले आप यूपी में निवेश कीजिए, आपके पैसे और आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की है। आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद ने भाजपा पर कसा तंज, कहा 2024 में बीजेपी की विदाई का समय आ गया, बुलडोजर नीति नहीं है कानून। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री दिनेश प्रताप का पलटवार, बोले सपा सरकार में सड़कों पर सड़ा था। प्रयागराज में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा जो खतरा बने उसे टारगेट करना भाजपा का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है।
सपा सुप्रीमो और मायावती पर जमकर वर्षे ओम प्रकाश राज भर बोले अतीक पर कार्रवाई तो अखिलेश यादव को आखिर तकलीफ क्यों। यूपी में पैर पसारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी घोषित किए नगर निकायों के प्रभारी सिसोदिया को लेकर संजय ने पीएम पर किया वार। माफिया अतीक का करीबी हिस्ट्री शीटर बल्ली पंडित पुलिस हिरासत में, पीडीए का बुलडोजर फिर गरजने को है तैयार। विधायक के नाम पर अफसरों को हड़काने वाला गिरफ्तार, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर जमाता था रौब। बरेली जेल में बंद अशरफ ने कराई उमेश पाल की हत्या, मर्डर के 13 दिन पहले मिलने आए थे 9 शूटर, इन्होंने ही दिया हत्याकांड को अंजाम। शराब के लिए युवक ने किया सुसाइड, पति की मौत की सूचना मिलने पर पत्नी ने लगाई फांसी, दोनों में हुआ था झगड़ा। यूपी में 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, 5 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए, अखिलेश चौरसिया बने वाराणसी के डीआईजी। बंद फ्लैट में फंदे से लटका मिला व्यापारी का शव, विवाद के चलते पत्नी और बेटी घर से अलग रहते थे, अकेलेपन के चलते था मानसिक तनाव। मेरठ में गंग नहर में डूबने से मां बेटी की मौत, बेटे की चाहत में पूजा करने पहुंचा था परिवार, घाट से दूर मिला महिला का शव। सहारनपुर में रेस्टोरेंट से बच्चों ने पलक झपकते ही चुराया मोबाइल, 10 साल के 2 बच्चों ने चुराया 50,000 का मोबाइल फोन। उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक और युवती के शव, लड़की के हाथ पैर बंधे थे, चेहरे पर चोट के निशान, रिश्ते में दोनों फुफेरे भाई बहन। मेरठ में मस्जिद में चोरी करते पकड़ा गया युवक, लोगों ने की जमकर धुनाई, पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मिर्जापुर में प्रेमिका के घर में प्रेमी ने लगाई फांसी, युवती से मुलाकात करने घर पहुंचा था, परिजनों ने कमरे में बंद कर लगा दिया था ताला। कानपुर में हिस्ट्री शीटर की पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला, 10 महीने पहले ससुरालियों को धमका कर की थी लव मैरिज। बुलंदशहर में हाई स्कूल के छात्र का हत्यारा गिरफ्तार, नशा करने का विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से गोद कर मार डाला था। बदायूं में इमाम पर युवाओं को भड़काने का आरोप, इमाम ने दूसरे इमाम पर लगाया आरोप, FIR दर्ज की गई। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थिति में फ्लैट में फटा घरेलू गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पत्नी की हत्या कर पति ने थाने में किया आत्मसमर्पण, घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी को उतारा था मौत के घाट। गोंडा में अज्ञात कारणों से दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। बुलंदशहर में जंगली जानवर के हमले से किसान की हुई मौत, घटना के बाद इलाके के लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत।
कन्नौज में परफ्यूम की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग से हजारों रुपए के परफ्यूम सहित पूरी दुकान जलकर राख। मेरठ ग्रामीण के एसपी के घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल। व्यापारी बोला 10 लाख बेचता हूं, डीजीपी मुख्यालय ने बैठाई जांच। श्रावस्ती में ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी के साथ चोरों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में मिला दुर्लभ गिद्ध, पैर घायल होने से नहीं भर सका उड़ान। वन विभाग ने उपचार कराकर जंगल में छोड़ा। लखनऊ में लापता युवा का खेत से मिला शव, सिर पर चोट के निशान मिले। पिता बोले गांव के दो लोगों ने बेटे को मार डाला। उत्तराखंड गैरसैंण बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री धामी ने किया सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग वॉक पर भी निकले। हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले मैं कांग्रेस का 24 घंटे का सिपाही हूं, ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र से पहले धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, महंगाई सहित अन्य मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड में मिले H3N2 इन्फ्लुएंजा के दो मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा हुआ सतर्क। उत्तराखंड के रुड़की में होली के दिन गंग नहर में डूबे युवक का शव बरामद, नहाते समय हुआ था हादसा। उत्तराखंड के रामनगर में साइंस पर आधारित होगी G20 की बैठक, भव्य तैयारियों में जुटी राज्य सरकार। उत्तराखंड यूटिलिटी वैन अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, प्रदेश में वर्षा ओलावृष्टि के साथ चोटियों पर बर्फबारी होने के भी आसार। उत्तराखंड के रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता पर आरोपी ने फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसे युवती, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश में छत्तीसगढ़ की मेडिकल छात्रा ने होटल के कमरे में लगाई फांसी, छोड़ा अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट। चारधाम यात्रा के लिए तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण, GMVN गेस्ट हाउस में अब तक 5 करोड़ की हुई बुकिंग। उत्तराखंड के विकास नगर में जल विद्युत निगम ने की शक्ति नहर किनारे अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी, 600 परिवार होंगे प्रभावित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कार में अवैध तरीके से शराब की हो रही होम डिलीवरी, तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में बदला मौसम, टिहरी और बागेश्वर के ऊपरी इलाके में जमकर हुई ओलावृष्टि और हिमपात। उत्तराखंड में सरकारी खेल मैदानों में खेलना हुआ महंगा, अब खिलाड़ियों को 2 गुना देना होगा सुविधा शुल्क। रूस यूक्रेन जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले मैं राष्ट्रपति होता तो एक दिन में खत्म हो जाता रूस यूक्रेन युद्ध।
कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक में शी जिनपिंग का ऐलान, बोले ताइवान की आजादी का हर साल में करेंगे विरोध। इमरान खान ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, दोहरे मापदंड का लगाया आरोप, कहा नहीं करने दी जा रही रैलियां। नेपाल में पहाड़ से टकराई बस, काठमांडू जाते वक्त हुआ भीषण हादसा, 6 यात्रियों की मौत, 28 घायल। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 37 संसदीय सीटों पर चुनाव के स्थगित, पीटीआई सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई थी सीटें। सरकार की आलोचना पर बीबीसी ने शो प्रेजेंटेटर को हटाया, ब्रिटिश माइग्रेशन पॉलिसी को हिटलर जैसा कहा था, एंकर्स का काम से इनकार। ईरान में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, इनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी, इन पर फीमेल स्टूडेंट को जहर देने के आरोप। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर पर रोक, रमजान के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कहा दावतों के लिए चंदा नहीं मांगे। रूस से सुकोई फाइटर जेट खरीदेगा ईरान, ईरानी डिप्लोमेट ने SU-35 डील की दी जानकारी। उत्तर कोरिया ने फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, दावा एक पनडुब्बी से किया गया परीक्षण। अडानी ग्रुप ने चुकाया 2.15 अरब डॉलर का कर्ज, अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से जुड़ा 500 मिलियन डॉलर का भी भुगतान किया। SVB के बाद अमेरिका का सिग्नेचर बैंक भी बंद, बैंकिंग क्राइसिस से निपटने के लिए बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। SVB में तालेबंदी पर लोगों ने हिंडनबर्ग को कोसा, बोले अपने देश में हुई गड़बड़ी नजर नहीं आई। नकदी संकट से जूझ रहा पाक, रूस से खरीदेगा सस्ता क्रूड, दावा $50 प्रति बैरल के भाव पर हुआ सौदा। अमेरिकन बैंक के बंद होने से 1 लाख लोगों के रोजगार पर संकट, 10,000 स्टार्टअप भी मुसीबत में। SVB मामले में बड़ा खुलासा, CEO ग्रेग बेकर ने संकट से पहले बेचे थे $36 लाख के शेयर्स। अडानी समूह का बड़ा कदम, समय से पहले चुका 2.65 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज, शेयरों में तेजी की संभावना। SVB के डूबने के बाद चिंताएं बढ़ी, स्टार्टअप के संस्थापकों से मिलेंगे IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर करार हुआ है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ते होंगे कंप्यूटर्स और मोबाइल। इक्विटी फंड में निवेश, 9 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर, फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में तकरीबन 15 करोड़ आए, वही जनवरी से 25% ज्यादा। विराट कोहली ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन उनके नाम। हार्दिक पांड्या को टेस्ट जर्सी में देखना चाहते हैं शेन वॉटसन, कहा गेंदबाजी के लिहाज से भी देखे तो वो फिट है।
मुंबई इंडियंस के लिए खुशखबरी, तूफानी बॉलर ज़ोफ़ा आर्चर पूरा सीजन खेलने के लिए उत्सुक। पूर्व कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान, बोले वनडे फॉर्मेट 50 ओवर के बजाय महज 40 ओवर का ही हो। टीम इंडिया को लग सकता है बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। डब्ल्यूपीएल में मुंबई की लगातार चौथी जीत, यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया हरमन के 50, ईशाक ने झटके 3 विकेट। डब्ल्यूपीएल में मैथ्यूज के एलबीडब्ल्यू पर विवाद, रिव्यू में गलत रिप्ले दिखाया, थर्ड एम्पायर ने आउट दिया, फिर सही क्लिप देखकर निर्णय बदला। कोहली के 186 रनों की मैराथन पारी, पत्नी अनुष्का ने किया खुलासा, चौथे टेस्ट में बीमार होने के बाद भी खेले विराट कोहली। कोहली ने सचिन से तेज 75वीं सेंचुरी लगाई, 16वीं बार 150 का स्कोर, वही भारत में सबसे ज्यादा औसत। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को बांग्लादेश ने किया हैरान, लगातार 2 मैचों में हराकर जीत ली T20 सीरीज। ऑस्कर 2023 में आरआरआर ने रचा इतिहास, नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता ऑस्कर, गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री ने बजवाया भारत का डंका। नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर यार रहमान का बड़ा बयान, बोले दुनिया भर में ऊंचा होगा भारत का नाम। मलाइका अरोड़ा ने किया जबरदस्त रैंप वॉक, ऑरेंज आउटफिट में लगी गॉर्जियस, फैंस बोले कौन कहेगा कि ये 49 साल की हैं। तलाक के बाद पहली बार पूर्व पति के संग दिखी करिश्मा, बेटे कियान के बर्थडे पर संजय कपूर और बच्चों के साथ किया लंच। नाटू नाटू को अवार्ड मिलते ही दीपिका पादुकोण भावुक हुए, सेरेमनी में सबसे पीछे बैठे थे राजा मौली। ऑस्कर 2023 में मल्टीवर्स फैंटेसी ने रचा इतिहास, मल्टीवर्स फैंटेसी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित जीते 7 पुरस्कार। एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 2023 ऑस्कर में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक और अभिनेत्री का पुरस्कार। दो ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी रूथी कॉटर, ब्लैक पैंथर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला अवार्ड। ऑस्कर में भारत को पहली बार मिले 2 अवार्ड्स, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।